खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। यदि कोई घोड़े खच्चर वाला घोड़े को भगाएगा, यात्री को गिराएगा और इस बार यहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी काफी ज्यादा तेजी से है और इसीलिए यहाँ पे भीड़ भड़ाका बहुत कम है। लास्ट ईयर में आके ऐसा लगता है कि ये गढ़वालियों का बाजार नहीं, ये नेपालियों का बाजार है और मुसलमानों का बाजार है, क्योंकि यहाँ पे आपको ज्यादा तक सब्जी से लेकर हर कारोबार यहाँ पे मुसलमान करता है और नेपाली करते हैं, क्योंकि लोकलों के पास यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है काम करने के लिए और शायद इसी मगर ये लोग यहाँ पे हमारा हक छीन लेते हैं और यहाँ वालों का जो लोकलों का हक है उसको छीना जाता है यहाँ पे बाहर के वालों के साथ। और इसमें कुछ मिली भगत ढिलाई, इतनी ढिलाई क्यों है प्रशासन की तरफ से? हाँ तो यहाँ पे प्रशासन से भी भाई हैं तो ये बोल रहे हैं इनको कोई मतलब पता नहीं है बोले इस चीज के बारे में कि क्या चल रहा है। अभी पेमेंट लेके जा रहे हैं। अच्छा ऐसे ही पेमेंट लेके जा रहे हैं? डेली का 100 रुपया। ये देखिए भैया बोल रहे हैं इन्होंने यहाँ पे दुकान लगाई, अभी तक परमिशन नहीं मिली। अच्छा ऐसे ही लगा रखी है। अच्छा अच्छा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन लोगों ने, ये नेपाल से हैं और इन लोगों ने ये मेरा आप देख रहे हैं मेरे साथ लगातार बाबा केदार की यात्रा की सीरीज। दोस्तों आज है 8 तारीख और आज 8 तारीख की सुबह के 8 बज चुके हैं और यात्रा भी चली रही है। और दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ गौरीकुंड की तरफ और मैं आज आपको दिखाऊंगा आज के ब्लॉग में यहाँ से गौरीकुंड के बीच में जो यात्रा चल रही है कैसी चल रही है, बीच में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे कैसे हुआ है, कितनी सारी दिक्कतें और परेशानियाँ हो रही हैं रास्ते में सभी को और कितना क्या क्या हो रहा है गौरीकुंड और गुप्तकाशी तक का आज के पूरे ब्लॉग में दिखाऊंगा मैं। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। ये है दोस्तों डामवाड़ा का डिवाइडर और यहाँ से वैसे तो सिर्फ पैदल यात्रा के लिए अलाउ होना चाहिए था क्योंकि ये रास्ता, मगर यहाँ से घोड़े खच्चर भी काफी आ ही रहे हैं नीचे से। वैसे प्रशासन को इस रास्ते का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि काफी खड़ी चढ़ाई है नीचे से और नीचे में पुल भी काफी कंजेस्टेड है। डामवाड़ा अभी आप देख सकते हैं नए में तो बहुत कमी दुकानें हैं, पहले यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार होता था। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ दोस्तों ठीक भीमबली पुल के सामने पे और यहाँ पे देखिए नीचे में भीमबली का पुल और यहीं से ठीक ऊपर से यहाँ से एक रास्ता मेरे गांव के लिए भी जाता है और ये मेरे गांव के लिए ट्रैक रूट है। यहाँ से आपने सुना होगा चौमासी केदारनाथ का एक रामबाड़ा में ट्रैक सबमिट होता है, वो यहीं पर होता है। ये यहाँ से 6 फीट का रास्ता चौड़ा बना हुआ है। इस वाले रास्ते का ब्लॉग मैं अगले वीडियो में बताऊंगा जिस रास्ते पर जिस दिन हम ट्रैकिंग पर जाएंगे यहाँ से, और कुछ दिन में मेरे ट्रैकिंग के टूर भी आने वाला है वो भी शायद इसी रास्ते से। ये है दोस्तों हिमबली का और रामबाड़ा वाला जो पुल है ये घोड़े खच्चर वाला पुल है और ये काफ़ी कंजस्टर है, इसमें एक बार में घोड़े एक साइड के एक वन वे वाला है ये रास्ता, जब वहाँ से आएंगे तभी जाके यहाँ से जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी जाम की स्थिति भी हो जाती है, पिछले साल तक बहुत ज़्यादा जाम लग जाता था यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप वहाँ से लाइन आ रही है और हम लोग भी यहाँ रुके हुए हैं और जब ये पूरी लाइन यहाँ से यहाँ आ जाएगी तो ये तभी जाके हम लोग भी आगे बढ़ेंगे। और आप लोग आते हैं तो आप लोगों के लिए दूसरा वाला रास्ता ये ऊपर से जो जा रहा है ये रास्ता अच्छा रहेगा क्योंकि इस रास्ते में आपको जाम की पुल के इस पार आ चुका हूँ और अभी यहाँ पे प्रशासन वालों की ड्यूटी भी लगी हुई है इसीलिए इस बार यहाँ पे जाम की स्थिति नहीं बन रही है। आप देख सकते हैं ये पुल है और यहाँ पे नीचे में जो मंदाकिनी नदी है वो ऐसे बह रही है नीचे, बहुत गहराई पे है। आप देख सकते हैं मंदाकिनी नदी का जो प्रभाव है और आपदा से पहले ये नदी काफ़ी ऊँची होती थी और अभी आपदा के बाद काफ़ी गहरी खाई करके चल रही है। भीमबली का जो डिवाइडर है एक रास्ता यहाँ से केदारनाथ के लिए जाएगा पैदल वाला रास्ता जो, और ये वाला घोड़े खच्चरों वाला रास्ता है और अगर आप लोग इस रास्ते से जाते हैं तो यहाँ पे आपको कम मिलेगा भीड़ भड़ा का और इस रास्ते से जाओगे तो यहाँ पे पुल पे जाम की स्थिति बन जाती है। वैसे इस बार यहाँ पे प्रशासन काफी मुस्तैदी दिखा रहा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चोली केदारनाथ में घोड़ों का जाम लग रहा है, इसमें धीरे धीरे चले, रुक रुक के चले, खाना पीना आराम से खाते हुए चले, यात्री को आराम कराने के बाद चले, रुक जाए थोड़ा रुक जाए। ऊपर केदारनाथ में चोली में जाम लग रहा है घोड़ों का, चलो रुक रुक के चले, अनावश्यक घोड़ों को ना लगाए, अनावश्यक घोड़ों को ना दबाए। तो अभी आपने सुना यहाँ पे प्रशासन की तरफ से पूरा अनाउंस हो रहा है घोड़े खच्चर वालों के लिए कि आप लोग आराम से जाइए, यात्रियों के लिए भी सूचना दी जा रही है। तो आप लोग भी आते हैं तो आप लोग ध्यान रखिए, जैसे प्रशासन गाइडलाइन देता है उसी को फॉलो करते रहिए। तो अभी यहाँ पे देखिए भीम शिला भी है, भीम जी की मूर्ति भी यहाँ पे है और यहाँ पे बाबा जी भी महाराज जी भी हैं, इनसे भी आप आशीर्वाद ले सकते हैं। और ये यहाँ पे हमेशा महाराज जी आते हैं और सभी लोग यहाँ पे अपनी जो भी श्रद्धा भक्ति होती है उससे चढ़ावा भी चढ़ाते हैं और यहीं पे पुलिस चौकी है
और दोस्तों अभी मैं पहुंच चुका हूं भैरव मंदिर के पास में, और यहां पे देख सकते हैं आप भैरव जी का मंदिर भी है, काल जो बाबा जी के क्षेत्रपाल हैं यहां केदार घाटी के। और ठीक यहीं सामने पे मेरे भाई सूरज की शॉप है, और यहां पे भी आप लोग आ सकते हैं, जब नीचे से आते हैं तो बिल्कुल ठीक भैरव मंदिर के सामने पे ही है। और यहां पे आप लोग आराम करके, काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है इन्होंने अंदर में भी खुला हुआ है, और सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी, चाय कॉफ़ी मैगी पराठा जो लोग जो भी आपको लेना चाहिए तो सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ गौरीकुंड में, और आप देख सकते हैं ये गौरीकुंड से ठीक 1 किलोमीटर ऊपर में गेट बना हुआ है केदार धाम के लिए। और इस बार यहाँ पे प्रशासन की मुस्तैदी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से है, और इसीलिए यहाँ पे भीड़ भड़ाका बहुत कम है। लास्ट ईयर तक यहाँ पे बहुत जाम की स्थिति बनी होती थी, हालाँकि इससे ऊपर ऊपर कहीं पर बहुत ज़्यादा जाम की स्थिति थी, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों को चलना मुश्किल था, इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। मगर यहाँ पर यहाँ से नीचे अभी तक जो दिख रहा है वो काफ़ी, यहाँ पर जो व्यवस्था है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, वैसे मुस्तैदी काफ़ी है प्रशासन की, और जो जाम की स्थिति है वो अभी नहीं, अभी तक तो दिखी नहीं मेरे को। सामने पे बहुत ज़्यादा बड़ी पार्किंग बनी हुई थी घोड़े खच्चरों के लिए, मगर आपदा में ये तो सारा बह गया है, और यहाँ नीचे पे अब की पार्किंग बनी हुई है, घोड़े खच्चरों का प्रीपेड काउंटर भी है, मगर वो भी काफ़ी छोटा पड़ जाता है, यहाँ पर भीड़ भड़ाका यहाँ इतना ज़्यादा हो जाता है, यहाँ चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे इस बार प्रशासन ने काफ़ी यहाँ पे मुझे काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है, क्योंकि इस बार यहाँ पे जाम की स्थिति काफ़ी कम है, और प्रशासन गौरीकुंड में बहुत ध्यान रख रही है सब इन जगहों पे। और यहाँ पे इस बार टीम साइड भी लगा दिए हैं नीचे की साइड से, जिससे कि सेफ्टी हो जाए यहाँ पर, नहीं तो गिरने का खतरा बना रहता है। और यहाँ पे गंदगी काफ़ी हो जाती है, तो इसलिए सफाई कर्मी भाई भी अपना पूरा जो सहयोग होते हैं वो भी बाबा केदार की यात्रा में अपना देते रहते हैं। और अभी और यहाँ पे प्रशासन आप सुन सकते हैं कि जो चेतावनी है वो भी बराबर देते रहते हैं यहाँ पे जो घोड़े खच्चर वालों को। इस बार प्रशासन ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मतलब बेहतरी से मुस्तैदी कर रखी है हर क्षेत्र में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नहीं तो पिछले साल तक ये एरिया बहुत ज़्यादा कंजस्टर होता था, यहाँ पे घोड़े खच्चरों का जाम था। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ घोड़ा पड़ाव में, प्रीपेड काउंटर घोड़ा पड़ाव गौरीकुंड में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भड़ाका है आप देख सकते हैं। और यहीं ठीक सामने पे पीछे पे प्रीपेड काउंटर है, यहाँ पे प्रीपेड काउंटर है, यहीं से घोड़े खच्चर केदारनाथ के लिए बुक किए जाते हैं, डोली और कंडी का पीछे से होता है, यहीं पे चेक पोस्ट भी है, यहाँ पे अगर आप गौरीकुंड में कोई भी घोड़ा पड़ाव में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और अभी यहाँ से आगे ये है गौरीकुंड की सबसे ज़्यादा भीड़ भड़ाके वाली गलियाँ हैं, कंजेस्टर गलियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पर दुकानें इतनी ज़्यादा हैं नीचे से ऊपर तक कि ज़्यादा यहाँ पे हम हिंदू लोगों की कम दुकानें हैं, बाकी नॉन इंडियन और नॉन हिंदू लोगों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप हैं। ये देख सकते हैं हम, यहाँ पे नेपाली लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला होता है गौरीकुंड में, और जो बंजारे होते हैं बाहर से मुसलमान होते हैं उनको भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। गौरीकुंड में आके ऐसा लगता है कि ये गढ़वालियों का बाज़ार नहीं, ये नेपालियों का बाज़ार है और मुसलमानों का बाज़ार है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा तक करके जो भी दिखेगा सारा कुछ बाहर से नेपालियों के ही दुकानें मिलेंगी और मुसलमानों की ही शॉप मिलेंगी। सभी जो यहाँ का व्यापार है उस पर ज़्यादा कब्जा सब बाहर वालों ने ही किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे लोकलों को इतनी वैल्यू नहीं मिलती है, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो ज़्यादा वैल्यू नेपालियों को और बाहर वालों को ही देते हैं। ये देख सकते हैं आप सारी शॉप जो भी हैं यहाँ पर, ये गैर हिंदू शॉपें हैं, और बहुत सारी यहाँ पे हिंदू लोगों की बहुत कमी होगी, जो यहाँ के लोकल हैं उनकी ये शॉपें बहुत कम होती है, यहाँ पे मुसलमानों को ज़्यादा इस धाम में सपोर्ट मिला हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से भी। और यहाँ देख सकते हैं आप ये सारी शॉपें यहाँ पे जो भी हैं ये सब मुसलमानों की हैं, सब्जी से लेकर हर कारोबार यहाँ पर मुसलमान करता है और नेपाली करते हैं, क्योंकि लोकलों के पास यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है काम करने के लिए, और शायद इसीलिए आज यहाँ का लोकल बहुत पीछे है और हम लोगों को ऊपर इतनी दूर जाना पड़ता है रोज़गार वगैरह करने के लिए, क्योंकि जो पास का एरिया है यहाँ पे और इन्हीं इसी बाज़ार के बीच में जो बाहर के लोग होते हैं यहाँ पे मुसलमान होते हैं और नेपाली होते हैं, उनका एक बहुत गंदा खेल खेलते हैं वो यहाँ, जैसे जुआ हो गया, दारू हो गया, मांस मदिरा हो गया, इन बड़े बड़े होटलों के पीछे और ऊपर में जो टीम के बने होते हैं उनमें अगर कभी यहाँ
छापे पड़ गए तो बहुत, लास्ट ईयर में छापे पड़े थे तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पकड़ा गया था, मगर उस पर भी ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। ये सारी शॉप देख सकते हैं आप, सारी मुसलमान की हैं और ज़्यादा करके नेपालियों की हैं, लोकल भाइयों की तो इक्की दुक्की शॉप होती हैं यहाँ पे, और लोकल यहाँ पे ज़्यादा वैल्यू भी नहीं है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो गौरीकुंड का पूरा इलाका बाजार है, कितना भीड़ भड़ाके वाला है। और अभी तक आपको ब्लॉग में दिखा होगा कि ज़्यादा करके सब वही नेपाली और मुसलमान ही मिले होंगे यहाँ पे। ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे आप, ये दुकान भी नेपालियों की है, जो फ्रंट से और लास्ट तक आपको दुकानें दिखी नेपाली और मुसलमानों की ही दिखी। होटल इनके हैं और सारे सब कुछ याद जो भी हैं ये इन मुसलमान और नेपालियों के ही हैं। ये देख सकते हैं ये सबसे बड़ा फ्रंट का होटल, ये भी यहाँ पे नेपाली लोगों का है। और यहाँ से आगे भी आपको दिखाऊंगा मैं कि कितना यहाँ पे, एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ पे सारे जो नेपाली होंगे ना वो यहाँ के लोकल लोगों को अपना गुलाम बना देंगे और गुलामी की ज़िंदगी हमारी केदार घाटी और गढ़वाल में शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये देख सकते हैं आप नेपालियों का भीड़ भड़ाका, यात्री कम है यहाँ और दुकानों से लेकर जो भी ऐसा कुछ नेपाली और मुसलमानों का ही खचाखच भरा हुआ है। यात्री तो दिख ही नहीं रहे हैं, लोकल तो इनमें कोई दिख ही नहीं रहा है ना। इन लोगों की फैमिलियाँ भी यहाँ लाते हैं, बच्चे भी लाते हैं, फिर यहाँ लेबर गिरी के नाम पे और उसके बाद कुछ गंदे गंदे काम करते हैं ऐसे। हालांकि सभी नेपाली ऐसे नहीं हैं, मगर बहुत सारे यहाँ पे ज़्यादा ऐसे ही करते हैं। जैसे ये पिट्ठू वाले होते हैं तो इनके पास बहुत सारे, मैं इनसे पूछते हैं इनके पास पिट्ठू पे टोकन है कि नहीं है। पिट्ठू वाले भैया टोकन है? ये देखिए, ये देख सकते हैं आप बिना टोकन के यहाँ पे बीच बाजार में खड़ा है पिट्ठू, और वैसे कि इनके पिट्ठुओं पे टोकन लगे होते हैं। और भाई टोकन लगा हुआ है पिट्ठू पे, ऐसे कैसे ले जाते हैं दिखाओ तो जरा। टोकन तो क्या बना रहा, एक मिनट, टोकन तो नीचे फेस गया, अभी तक बना नहीं है। अच्छा, कब तक बनेगा टोकन? बंद हुआ है। दिया हुआ है? कहाँ दिया हुआ है? अच्छा अच्छा, तो ये देखिए आप यहाँ पे बिना टोकन के कंडी वाले, आप पता नहीं ये क्या करते हैं रास्ते में। अगर यात्रियों को ले जाते हैं सामान इनके पास देंगे आप तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा। तो ये देख सकते हैं ना आप, ये लोग अब ये ऐसे डुप्लीकेट प्रूफ लेके चले होते हैं, जबकि इनको कंडी पे, इनकी कंडियों पे एक जिला पंचायत की तरफ से एक टैग मिला हुआ है। पर अभी किसी भी कंडी वाले के कंडी पे यहाँ, अब इसमें सर प्रशासन की, प्रशासन का खेल नहीं है और क्या है, जहाँ इनको एकदम खुलेआम देखो प्रशासन वाले भी आगे पीछे घूम ही रहे हैं। और ऐसे ऐसे कंडी वाले लोग भी ये भी चल ही रहे हैं साथ में, जिनका जिनके पास न लाइसेंस है न टोकन है, पता नहीं कहाँ से है क्या है, यहाँ पे एक उल्टे सीधे काम करके भाग जाते हैं, फिर यहाँ का लोकल बहुत बदनाम हो जाता है। और मैं आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग भी, अगर आप लोगों के एरिए में ऐसे लोग रहते हैं नेपाली मुसलमान वगैरह रहते हैं तो इनको अवॉइड करिए, क्योंकि ये लोग हर जगह जाके अपना हमारा हक ले लेते हैं और पैसे के नाम पे फिर बाद में ये ठगी धोखाधड़ी बहुत कुछ कर लेते हैं। खास करके ये केदारनाथ में, यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पे जो भी दुकानें छोटी छोटी लगाई हुई हैं ये सब बाहर से आई हुई है, कोई यूपी बिजनौर से, कोई कहीं से, पता नहीं कहाँ कहाँ के 36 जगहों से भरे हुए हैं। अब इनमें किसी का कोई आइडेंटिफाई नहीं कुछ है। भैया कहाँ से हो आप? आप कहाँ से? मुझे बात हुई थी। अच्छा अच्छा, आपके पास यहाँ लगाने, दुकान लगाने के लिए परमिशन मिल जाती है? कैसे मिली आपको? पर्ची करती है। कहाँ से करती है? जिला पंचायत से। अच्छा, तो आपके पास भी होगी ना, दिखाइए तो। पर्ची तो सर अभी बन, तो कह रहा हूँ कि बनने गई हुई है। अच्छा, तो मतलब अभी बिना पर्ची के ही करेंगे आप काम? तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे प्रशासन ने कैसा कैसी ढील दे रखी है इन लोगों के पास। ये पता नहीं कहाँ से आए हैं, बता रहे हैं हम नजीमाबाद से हैं और यहाँ पे शॉप भी चला रहे हैं, क्या पता है? ऐसे लोगों को आप देखते रहिए कि ये लोग, इनके पास कुछ कोई प्रूफ ही नहीं है, ऐसे ही लोग यहाँ पे भरे हुए हैं ज़्यादा करके केदार घाटी में। प्रशासन के सर जी थोड़ा सा 2 मिनट बात कर सकते हैं सर जी? जैसे ये कंडी वाले लोग यहाँ पे चल रहे हैं तो इनकी कुछ लोगों की कंडियों पे तो टैग लगे हुए हैं जिला पंचायत के, और कुछ लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, तो इनके लिए कुछ सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से कोई वो नहीं है, गाइडलाइन नहीं है? बन रहे हैं उनके टोकन बन रहे हैं। अच्छा, मतलब कब तक बन जाएंगे सर? ऐसे वैसे तो ये यात्रा अभी चल रही है, अब ये लोग ऐसे जब तक बनेंगे तब तक ये कोई उल्टा सीधा काम करके भाग जाएंगे तो फिर प्रशासन कैसे पकड़ेगा इनको? सत्यापन बन रखा है इनका। सत्यापन तो इन लोगों के और उनके तो बहुत सारों के तो टैग भी लगे हुए हैं जिला पंचायत की तरफ से, पर मैं देख रहा हूँ गौरीकुंड में जो बीच बाजार है यहीं पे नहीं है, तो ये ऐसा मतलब कैसे है, ये क्यों ढिलाई, इतनी ढिलाई क्यों है प्रशासन की तरफ से? हाँ, तो यहाँ पे प्रशासन से भी भाई हैं तो ये बोल रहे हैं इनको कोई मतलब पता नहीं है बोले इस चीज़ के बारे में कि क्या चल रहा है यहाँ। और मैंने अभी दिखाया आपको, आगे भी दिखाऊंगा, आपको भी दिखाऊंगा यहाँ क्या चल रहा है।
अच्छा आप कहाँ से हैं आंटी? रोलपा से हैं? रोलपा रोलपा ये रोलपा नेपाल में? अच्छा अच्छा आपने भी यहाँ पे दुकान लगाई हुई है आगे। तो आपको परमिशन जिला पंचायत की तरफ से मिली या किसकी तरफ से? अभी तक परमिशन नहीं मिली। अच्छा ऐसे ही लगा रखी है? अच्छा अच्छा तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इन लोगों ने, ये नेपाल से हैं और इन लोगों ने ये गौरीकुंड में दुकानें लगाई हुई हैं, इनके पास कोई परमिशन नहीं है। तो ये चल क्या रहा है केदारनाथ में आप देख सकते हैं, यहाँ मैं पूरे रास्ते में देख के आ रहा हूँ, अटल सेवा शुरू होती है वहाँ की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी यहाँ तक भी सारे लोग बाहर से भरे हुए हैं, इनसे पूछते हैं भैया कहाँ से दुकान, भैया आपने यहाँ पे दुकान लगाई हुई है, आप कहाँ से हो भैया? ऋषिकेश से। अच्छा आपका नाम? दीपक। दीपक अच्छा तो आपको ऋषिकेश से यहाँ पे दुकान लगाने की परमिशन किसने दी भैया? अच्छा नगर पालिका की तरफ से। नगर पालिका की तरफ से कुछ पर्ची पुर्ची कटी आपकी अभी? नहीं नहीं पर्ची वैसे पेमेंट लेके जा रहे हैं। अच्छा ऐसे ही पेमेंट लेके जा रहे हैं? डेली का 100 रुपया। ये देखिए भैया बोल रहे हैं इन्होंने यहाँ पे दुकान लगाई हुई है बाहर से और इनको इनसे पर्ची ली जाती है हर दिन 100 रुपये की और इनको उसका प्रूफ भी नहीं दिया जाता है। तो देखिए गौरीकुंड में क्या चल रहा है। तो अब जो यहाँ से सोनप्रयाग और सोनप्रयाग की सटल सेवा की गाड़ियाँ आती हैं वो यहाँ से चलती हैं। ये है गौरीकुंड की पार्किंग और यहाँ से 50 रुपये का किराया पड़ेगा आपको और आपको सोनप्रयाग सटल सेवा तक छोड़ा जाएगा। अभी ये गाड़ी सामान लेके आई हुई है और ये गाड़ी सारी सवारी लेके आए हैं। यहाँ पे गाड़ी ज़्यादा देर नहीं रुकती है, बहुत जल्दी सवारियाँ भर जाती हैं क्योंकि लोग आ रहे जा रहे होते हैं। और यहाँ से आगे अब हम लोग भी गाड़ी में चलेंगे। तो अभी तक का मैंने आपको गौरीकुंड तक का दिखा दिया जो भी अपने ब्लॉग में है और आगे का मैं तो मिलो। और यहाँ पे भैया हैं मिश्रा भाई, बढ़िया अभी यात्रा चालू करने जा रहे हैं। यमुनोत्री की यात्रा करके हम लोग आ गए, अब ये यात्रा भी हम लोग चालू करने वाले हैं। अच्छा ओके। अच्छा आज कहाँ रात को कहाँ रुके थे? हम लोग रुके थे सुल्तानपुर सीतापुर गांव में। सीतापुर गांव में अब हम लोग यहाँ यात्रा आए हैं चालू करने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा चलो जय बाबा केदार, आपकी यात्रा मंगलमय हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये भैया आए हुए हैं, ये भी यात्रा भी जा रहे हैं और रात को सीतापुर में रुके थे और वैसे मौसम आज ठीक है, इनके लिए यात्रा काफ़ी अच्छी रहने वाली है। और यात्रियों की भीड़ देखिए क्योंकि यहाँ आगे इस गाड़ियों की स्थिति जाम की बनी होती है, तो यात्री लोग काफ़ी पीछे उतर जाते हैं और वहीं से बराबर पैदल आ जाते हैं, कुछ लोग तो सोनप्रयाग से ही पैदल आते हैं। तो अभी दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गुप्तकाशी मार्केट में और आप देख सकते हैं गुप्तकाशी मार्केट की जो खूबसूरती है काफ़ी सुंदर है। और यहाँ से ठीक ही रास्ता ऊपर विश्वनाथ बाबा के धाम को जाता है और यहाँ पे यहाँ से बाकी केदारनाथ के लिए गौरीकुंड के लिए यहाँ से गाड़ियाँ मिल जाएंगी आप लोगों को। तो आज के ब्लॉग में मैं इतना ही दिखाऊंगा दोस्तों क्योंकि मुझे अभी बहुत सारा काम है बाज़ार में, अब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा, इससे आगे की ब्लॉगिंग मैं कल करूँगा। तो तब तक के लिए आप सभी को जय बाबा केदार और आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए।